बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आला किचन। आज हम आला किचन में खट्टा मीठा सा कच्चे आम का मुरब्बा तैयार करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बनाना भी आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी हमने यहाँ पे केरी ली है, छिलका उतार के हम इसे कटिंग करेंगे। अच्छा, हम इसे हाथ से ही कट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस से बहुत बारीक उसकी कटिंग आ जाती है। हमें थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा बारीक हो। हम बचपन से इसी तरह से अपनी नानी दादी को देखते हैं, कटिंग भी इसकी उसी तरह से तैयार करूँगी। बिल्कुल ऑथेंटिक सी रेसिपी है ये। नहीं, कटिंग कर ली हमने। चीनी ली एक प्याली, इलायची के दाने लिए हैं मैंने 2 अदद, 2 से 3 अदद आप ले सकते हैं। खोल लिया मैंने, हल्का सा तोड़ दिया इसको। केरी के बीज भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अब जी गुठलियाँ होती है ना इसकी, ये भी ऐड की जाएंगी। एक पैन के अंदर हम ये डालेंगे, सबसे पहले केरियाँ। पानी डालेंगे 1/2 कप के करीब, ताकि केरी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। शुगर भी ऐड कर देंगे साथ ही। सब चीज़ एक साथ जाएंगी इसके अंदर और ये कुक होता रहेगा। 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये क्वांटिटी मैंने रेसिपी करी उसलिए कम ली है, वरना हम 2-2 किलो का बनाते हैं इसे। इलायची डाल दी, बस मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। बहुत मज़ेदार सा ये सीज़न का की रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के, भूल जाते हैं शायद आप लाइक करना। लाइक कर दिया करें। मैंने 1 केजी इसकी गुठली और थी, वो भी ऐड कर दी थी बाद में। आप कहेंगे 4 नज़र आ रही हैं, डाली 3 थी। ये देखें तैयार है हमारा मुरब्बा। हल्का सा इसमें पानी है अभी, इसको मैं और कुक करूँगी, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और शीरे में आ जाएगा। ये नमक डाला है 1 चुटकी और डाला है मैंने इसमें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब करीब है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें खट्टा मीठा और स्पाइसी सा ये कैसा तैयार होगा। आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा, लाजमी है, पुराने लोग ज़रूर बनाते थे इसे पहले ज़माने में। और मैं जब बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इसे हम पराठे से भी इंजॉय करते हैं, लेकिन हम तो बचपन में इसे स्पून के साथ इंजॉय करते थे। और मेरी वही आदत है, मैं तो खूब इसे स्पून के साथ ही इंजॉय करती हूँ, प्यालियाँ भर भर के। देखें, इसमें आप ड्राई फ्रूट में ऐड कर रही हूँ या आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन मेरी दादी हमें डाल के ज़रूर देती थी। अगर उनके पास ड्राई फ्रूट होता था तो लाजमी डालती थी। तो आप भी अगर है तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें। वैसे भी बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।